और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज हम लोग बनाते ये पनीर बिरयानी की रेसिपी सीक्रेट तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें पनीर बहुत नरम रहेगी और हम लोग कोई बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टेस्ट लाने के लिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए है 2 कप चावल, ये बासमती चावल है 400 ग्राम। इससे हम लोग अभी बिरयानी बनाएंगे। इसको साफ़ कर लीजिए 2 से 3 बार पानी में धोकर, फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसको भिगोना है पानी में। आप ज़्यादा देर भी भिगो सकते हो, अगर चावल कम भीगा रहेगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और अंदर से कच्चा भी रह सकता है दोस्तों चावल। तो 20 मिनट के लिए मैं चावल को भिगो रहा हूँ, तब तक हम लोग पनीर काट लेते हैं। 200 ग्राम पनीर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिसको मीडियम साइज़ पे कट करना है। अगर ज़्यादा छोटी रहेगी पनीर तो टूट जाएगी दोस्तों, और अगर ज़्यादा बड़ी कट करी हुई रहेगी तो फ्लेवर अंदर तक नहीं जाएगा। पनीर तो हम लोग ने काट ली, अब हम लोग लौंग ले लेते हैं, जिसको क्लव्स भी बोला जाता है, और इनको आपको बेलन से बेलना है। मैंने यहाँ पर 6 पीस लौंग ली है, जिनको आपको बढ़िया तरीके से क्रश करना है, इसका पाउडर बनाना है अभी। अगर आपके पास अच्छी वैरायटी वाली लौंग हो जिसमें बहुत ज़्यादा ही खुशबू हो तो आप 2 या 3 पीस भी ले सकते हो। इनमें तेल ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और ये लौंग का पाउडर बन चुका है तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास बिरिस्ता है, जो कि तला हुआ प्याज होता है, बहुत ज़्यादा कुरकुरा दोस्तों। ये 2 प्याज थे जिसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, और ये बिल्कुल तैयार है। इनको हम लोग छोटा छोटा काट लेंगे। बिरिस्ता अगर तैयार नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एक कढ़ाई में 2 प्याज को काट कर फ्राई कर सकते हो, और फिर ये ठंडे होने के बाद ऐसे कुरकुरे हो जाते हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं दोस्तों बिरयानी का। हम लोग इन दोनों चीज़ों को एक बाउल में डाल लेते हैं, क्योंकि अभी मैरिनेशन कर रहे हैं हम लोग पनीर का। इसी के साथ में कुछ मसाले भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कसूरी मेथी का पाउडर, मतलब चूरी भी कसूरी मेथी है, काली मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, चीनी है, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने, साथ ही में नमक है, फ्रेश पुदीना है, फ्रेश धनिया है, और दही है। ये सारे मसालों को हम लोग बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और दही मिला सकते हो। लास्ट में अपना जो मैरिनेशन है कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये मैरिनेशन पनीर के साथ रहेगा और फ्लेवर लेकर आएगा अपनी बिरयानी में। अब हम लोग इसमें पनीर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अपनी मैरिनेटेड पनीर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको धुएँदार बिरयानी पसंद है तो आप इसमें कोयले का धुआर भी कर सकते हो, मैं तो भाई ऐसे ही पसंद करता हूँ। अब मैं इसमें ढक्कन लगा देता हूँ और हम लोग इसको 15 मिनट के लिए आराम करने देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटा 2 घंटा भी रख सकते हो, पनीर में और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा और पनीर नरम भी रहेगी दोस्तों। अब पानी उबालना है हम लोग को। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी टिकाया है, और तड़के के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट भी तैयार कर लिए हैं। इन सभी मसालों की जो लिस्ट है मैं बनाकर नीचे रख दूँगा, तो आप वो पढ़कर आराम से बना सकते हो घर में। तो पानी उबल रहा है दोस्तों अभी, और पानी में हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही तेल। जो अपना भिगोया हुआ चावल था वो बिल्कुल फूल चुका है, सफ़ेद हो चुका है अंदर तक, तो चावल बिल्कुल तैयार है। ये जो पानी एक्स्ट्रा है चावल में, इसको हटा देंगे और बिना पानी के उबलते हुए पानी में हम लोग ये चावल डाल देंगे। मीडियम आंच पर आपको ये चावल को पकाना है। शुरू शुरू में ये जो चावल है एकदम फटाफट से नाचेंगे, और फिर ये थक जाएंगे और फिर धीरे धीरे नाचेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे शुरू शुरू में जब चावल कच्चे रहते हैं तो ज़्यादा उछलते हैं इधर उधर, और जब वो पक जाते हैं तो वो आराम से पकते हैं। मीडियम आंच पर इसको पकाइएगा। जब ये चावल ऐसे धीरे धीरे उबलने लग जाते हैं और जब इनके दाने फूल जाते हैं, तब हम लोग इनको चेक करेंगे। एक दाना मैंने निकाला है यहाँ पर, आप देखिए कैसे ये अंदर से पक चुका है। हल्का सा कच्चा है अभी, बिल्कुल सही है क्योंकि बिरयानी में हम लोग दम भी करेंगे। तो गैस को बंद कर इसको फटाफट से छान लेते हैं। और जो चावल का एक्स्ट्रा पानी होता है ये आप मत फेंकिएगा, ये आप बिरयानी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। चावल बिल्कुल अच्छी तरह खिल चुके हैं और पक चुके हैं दोस्तों, 85% के आसपास ये पके हैं। अभी मैं इसको एक प्लेट में फैला कर रख रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट और लग ही जाएगी अपने को ग्रेवी बनाने में।
हाँ जी, अभी हम लोग ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए आप एक हांडी गरम कर सकते हो या फिर कुकर गरम कर सकते हो, उसी पे ही हम लोग की बिरयानी भी बनेगी और सर्व भी करेंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर कुकर गरम किया है, इसमें 2 चम्मच घी डलेगा और साथ ही में आप चाहो तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी जैसे ही गरम होता है हम लोग इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके चटकने का इंतज़ार करेंगे। जीरा चटकने लग चुका है दोस्तों, अब हम लोग इसमें 5 हरी इलायची डाल देंगे, थोड़ी बहुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 चक्रफूल, 1 तेज पत्ता। इन सारे मसालों को एक बार चला देंगे घी में ताकि इनका फ्लेवर घी में आ जाए। फिर आप इसमें 1 प्याज डाल दीजिएगा और उसको 2 मिनट तक पकाना है। पूरा लाल नहीं करना है दोस्तों प्याज को, सिर्फ 2 मिनट तक पकाइएगा। फिर हम लोग इसमें नमक डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो कि 1 चम्मच है, और 1 मिनट फिर से पकाना है ताकि कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन का। वैसे ये वही रेसिपी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो आप भी बनाइएगा, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं फिर रेसिपी में। अदरक लहसुन पक चुका है तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है जिसको मीडियम साइज पे काट लिया था और आँच बहुत तेज है, आप देख सकते हो। ये ग्रेवी तरीके वाले से अपनी बिरयानी बनेगी जैसे बहुत सारे होटल वाले फटाफट से बनाकर लाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग को मसाले डालने पड़ेंगे और यही मसालों से अपने चावल में फ्लेवर आएगा। तो मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से कम है काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, 1/2 चम्मच है चीनी, गरम मसाला भी मैंने लिया है और हल्दी पाउडर भी लिया है। ये सारे मसालों को हम लोग एक बार फ्राई कर लेंगे, जलने से बचा लीजिएगा दोस्तों, मतलब ज़्यादा तेज मत रखिएगा अभी आँच को। फिर हम लोग इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, जल्दबाजी में मैंने रेगुलर पानी डाल दिया। ये प्रोसेस में आप चावल जिसमें आपने उबाला था ना उसको भाप बोलते हैं, वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ग्रेवी बन रही है अभी यहाँ पर और हम लोग को इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बॉईल आ जाए फिर हम लोग इसमें धनिया और पुदीना छिड़क देंगे। और डायरेक्ट पनीर इसमें नहीं डालना है दोस्तों, वरना वो ज़्यादा पकने की वजह से हार्ड हो जाएगी। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, अब हम लोग इसमें चावल डाल देंगे। और आप देखिए कैसे मैं फैला कर डाल रहा हूँ चावल को, हल्के हाथों से इसमें फैला दीजिए, एक लेयर बनानी है अभी। आधे चावल मैंने इसमें फैलाया है दोस्तों, अब हम लोग इसमें धनिया पुदीना छिड़क देंगे और फिर जो पनीर है ना, सारी की सारी पनीर इसमें फैला दीजिए। नीचे से स्टीम आएगी, चावल में भी फ्लेवर आएगा, पनीर भी पक जाएगी और अपनी बिरयानी तैयार हो जाएगी। बस कोशिश ये कीजिएगा कि पनीर को अच्छी तरीके से फैलाना है चारों कोने में, फिर आप इसमें थोड़ा सा और धनिया पुदीना छिड़क सकते हो और बाकी के जो चावल है वो फैला सकते हो। ये डबल लेयर वाली दम बिरयानी हम लोग बना रहे हैं। बिरयानी में ऊपर की तरफ आप ब्रेड सजा सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया था, उससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर आप इसमें नट्स सजा सकते हो। मैंने यहाँ पर काजू सजाए हैं और साथ ही में धनिया पुदीना छिड़क दिया है। बिरयानी अपनी सेट हो चुकी है, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। अगर आप ये बिरयानी पहली बार बना रहे हो कुकर में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो गैस्केट होती है कुकर की वो निकाल दीजिए दोस्तों। सीटी तो हम लोग को निकालनी ही है, आप गैस्केट भी निकाल सकते हो, ये सेफ रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बनता है जब ये पकती है। मैं क्योंकि बहुत बार बना चुका हूँ ये प्रोसेस से और ये कुकर में भी, मैं इसमें गैस्केट रख रहा हूँ, कोई डेंजर वाली बात नहीं है। अगर आप रबड़ वाली गैस्केट लगाते हो तो वो आटा लगाने वाला ही काम कर देता है दोस्तों प्रेशर कुकर में, लेकिन अगर आप सीटी लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बन जाता है और जिससे डेंजर वाली बात होती है। तो सीटी तो निकाल ही दीजिएगा और इसको पकाना है आपको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर डायरेक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप इसके नीचे तवा रख सकते हो, तवा से क्या है हीट फैल कर आएगी और अपनी जो बिरयानी है वो जलेगी नहीं नीचे से। लेकिन मुझे तवा में फिर भी थोड़ा डर लगता ही है, तो मैं आपको अभी दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ जिसको बेन मेरी बोला जाता है। ये हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी सारी कढ़ाई में पानी रख देंगे और पानी के ऊपर हम लोग कुकर रख देंगे। ये प्रोसेस में 10 मिनट ज़्यादा लगती है क्योंकि हीट जो है वो और धीरे से आ रही है, लेकिन बिरयानी अच्छी तरह बनती है। अगर आप डायरेक्टली तवे पर रख कर बिरयानी बनाते हो कुकर बिल्कुल ऐसे, तो 20 मिनट में बिरयानी बन जाएगी, लेकिन अगर आप पानी में बनाते हो तो 30 मिनट लगेगी।
30 मिनट के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुकर को ओपन किया एक बार के लिए चेक करने के लिए। अच्छी तरह इसमें से स्टीम आ रही है, अपनी दम बिरयानी बिल्कुल तैयार है। मैं इसका कोना से खोलकर चेक करता हूँ कि अंदर पानी है या नहीं है। अरे वाह, चावल तो खिले खिले हैं और नीचे मॉइस्चर भी नहीं है, अपनी बिरयानी बिल्कुल तैयार है जैसी होनी चाहिए। ढक्कन लगा देता हूँ एक बार के लिए, हम लोग इसको 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे, अभी कुछ ज़्यादा ही गर्म है। अपनी पनीर बिरयानी बिल्कुल तैयार है दोस्तों, चावल का हर दाना बिल्कुल हैदराबाद की मोती जैसे खिला खिला है और पनीर बहुत ज़्यादा ही नरम है दोस्तों इसमें, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं अभी ये पनीर बिरयानी को सर्व कर रहा हूँ, हल्का सा पुदीना बिरिस्ते के साथ और साथ में रायता भी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये पनीर बिरयानी की रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक और रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कुकिंग शुकिंग हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बगल में घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।